श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है पवित्र नवमी तिथि और शुक्रवार है। घर पर किए जाने वाले चार सरलतम उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल सा उपाय भी कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही भाग्य चमक जाएगा, दुख दरिद्रता का भी नाश होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय तो दीपक का ही आप सभी को विदित करा दो, क्योंकि नवमी तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आज के दिन के तो गुरुजी द्वारा बताए गए कई सारे उपाय हैं, जिसमें से सरल सरल से उपाय आप जान लीजिए और इनमें से कोई एक सरल उपाय चुनिएगा। सबसे पहले दीपक का ही आपको उपाय बता दो, जो कि खासतौर पर नवमी तिथि की शाम को किया जाता है। यह उपाय दुर्घटना, रोग, शारीरिक कोई विकृति है, दुख बीमारी बहुत अधिक परेशान कर रही है, तो आप सभी को करना है। आप सभी को क्या करना है कि एक आटे का दीपक बना लेना है, ठीक है। आटे का ही दीपक इस उपाय में बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब नरसिंह भगवान का नाम लेना है, इस बात को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नरसिंह भगवान का नाम लेना है, आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक बना रहे हैं तो नमक इत्यादि ना डालें, साधारण सरल तरीके से आटे का चार मुखा दीपक बनाना है। चार अलग अलग बत्तियाँ लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, दो लंबी बत्ती बना लेते हैं, दोनों ही मुख उनके जला देते हैं, ऐसा नहीं। चार बत्तियां लगाएं, एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसमें तिल्ली का तेल और सरसों का तेल दोनों को मिला लेना है, ठीक है। अब अन्य दिनों नहीं मिलाया जाता, परंतु कोई खास उपाय, कोई टोटके किए जाते हैं तभी यह उपाय जो है इस तरह का कार्य किया जाता है। तो आप सभी को नरसिंह भगवान का नाम लेकर, जो भी व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े, जिनका दवाई, रोग, भाग्योदय नहीं होता, जीवन में उनको बहुत दुख मिलते हैं, विवाह संबंधी उनके परेशानी, हाईटोक, किसी ने कोई बंधन कर दिया है, सभी के लिए यह गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है। तो आप सभी को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार शाम के समय नरसिंह भगवान का नाम लेना है। और आज की तिथि है ना, जैसे नवमी तिथि का ध्यान करना है, नाम गोत्र उस व्यक्ति का बोलना है। उतारा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार जो होगा उसके थोड़ा सा बाहर की तरफ आपको इस चौमुखा आटे के दीपक को जला देना है, ठीक है। बस सरल सा उपाय है, शाम के समय करिएगा। कुछ भी चीज़ समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर से करें। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं घर पर किए जाने वाले दुख दरिद्रता को दूर करने वाले दूसरे उपाय की। जैसा कि आज शुक्रवार है, गुरु जी कहते हैं घर पर आप सभी को श्री हरि विष्णु या उनके लड्डू गोपाल स्वरूप कोई भी हो, आप सभी जो है उनको विराजमान कर लीजिए, साफ स्वच्छ हो जाइए। संभव हो तो कुल्ला और जो है स्नान इत्यादि कर लीजिए। कहने का मतलब हाथ पैर तो कुल्ला इत्यादि तो आप सभी करेंगे, नहाना हो तो नहा भी लीजिएगा, श्रेष्ठ होगा। अब आप सभी को लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह स्वरूप, प्रतिमा, फोटो हो तो विराजमान कर लीजिए। और उपाय करने के लिए एक कटोरी में दूध और पानी मिश्रित कर लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए दूर्वा। अब यह उपाय धन की समस्या को खासतौर पर दूर करने के लिए सहायक है। जैसे लगता है हमारी मेहनत का पैसा बाहर जाता है, ब्याज में, दवाई में, रोग में, और घर में बरकत नहीं है, पैसे नहीं आते, व्यापार नहीं चलता है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। कुछ भी पैसा इसमें लगना नहीं है, नहीं कोई सामान लगना है, तो आप सभी को यह कर लिया। उसके बाद आपके घर पर चावल हो तो उन्हें केसर युक्त कर लीजिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से जो भी चावल है, दूध चावल है, खीर है, या कोई भी वस्तु है, चावल का भोग माँ लक्ष्मी को आपको लगा देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी के 108 नाम आप गूगल की मदद से भी इन्हें निकाल सकते हैं, साथ ही आप यूट्यूब में भी ढूंढेंगे ना कि माता लक्ष्मी के 108 नाम दिखाइए, तो आपको सरलतम तरीके से वह दिखा देगा। तो आप उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। और जो दूर्वा ले रखी है ना, दूध में मिला रखी है, उससे एक एक छीटन जो है, जैसे दूर्वा डुबाई, श्री हरि विष्णु के चरणों में छीटन दिया, एक बार दिया, दो बार दिया, इस तरह से 108 नामों का उच्चारण करते हुए आप सभी को 108 छीटन देना है जो श्री हरि विष्णु के चरण हैं। दीपक जरूर से लगाइएगा। देखिए, कोई भी कार्य होता है, दीपक उस पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो आप सभी को चौमुखा दीपक हो तो चौमुखा दीपक लगाएं, नहीं तो सामान्य दीपक लगाएं, और 108 बार माता लक्ष्मी के नाम स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, बोलते हुए दुर्वा से जल के, जो दूध और जल का छीटन आपको श्रीहरि विष्णु के चरणावृंद में करना है। सरल सा कार्य है, करके देखिएगा, बहुत लाभ होगा, अनगिनत लाभ होगा। सावन के अब अंतिम दिन ही बचे हैं, कुछ ही दिन शेष है, हो सकता है इन्हीं दिनों में आपको लाभ प्राप्त हो जाए। और ऐसा दुर्लभ संयोग अब सावन का नवमी तिथि विशेष है, करने का प्रयत्न करें। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए, उसमें भी श्रेष्ठ सरल उपाय बताए गए हैं जो कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए कारगर हैं।
बात हो गई दो उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी दीपक का ही है। गुरु जी कहते हैं, शुक्रवार के दिन लंबी बत्ती का घी का दीपक, अगर जो व्यक्ति बेलपत्र वृक्ष के नीचे इस कामना से कि मेरे घर में धन का आगमन हो, रोग दोष से मुक्ति मिले, लगा देता है, उसके जीवन में धन लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। महादेव ने माँ लक्ष्मी को ऐसा आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएगा, तुम उसके पीछे पीछे उनके घर चली जाना। ऐसी स्थिति में कहीं आसपास होता क्या है कि बेलपत्र वृक्ष होता ही नहीं है, तो घर के मुख्य द्वार पर भी शुक्रवार के दिन, आप सभी में से कई लोगों ने यह बात सुनी होगी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जरूर से घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जरूर से लगाना चाहिए। साथ ही माँ तुलसी, जो कि आज पूजनीय मानी जाती हैं, माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में होती हैं, श्री हरि विष्णु की प्रिया के स्वरूप में होती हैं, उनके लिए भी एक दीपक जरूर से लगाएं, बहुत बरकत होगी। माँ अन्नपूर्णा के नाम से भी आज रसोई में एक दीपक लगाना, जो मन माँ अन्नपूर्णा वह माँ पार्वती के स्वरूप में होती हैं और उस घर में अन्न धन्य की कमी नहीं होती जो इन स्थानों पर दीपक लगा देता है। एक रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा के नाम से शुक्रवार के दिन, एक घर के मुख्य द्वार पर एक माँ तुलसी में। बेलपत्र वृक्ष आपकी इच्छा है जा सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। संभव हो तो महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के भी मंदिर में लगाएं। घर के मंदिर में तो आप सभी भक्तजन हैं, लगाते ही होंगे, सरल सरल से कार्य है, करने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताने का प्रयास किया आज के दिन लाल रंग की चीज़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। संभव हो तो लाल रंग की कोई भी वस्तु दान करें, लाल रंग का ब्लाउज का पीस हो गया, लाल रंग के फूल महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में आप जो है उनका श्रृंगार करने के लिए देकर आ सकते हैं। बहुत सरल सरल से कार्य होते हैं, परंतु शुक्रवार के दिन ध्यान रखें, धन की देवी माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन कोई पैसा मांगने आए, सांझ के समय खासकर, और दूध दही चावल इत्यादि कोई मांगने के लिए आए ना, तो कभी ना दे, इस बात का भी ध्यान रखे। नमक भी आज देना नहीं चाहिए अगर कोई मांगने के लिए आता है, तो इस चीज का भी आज ध्यान रखे। आज के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, चांदी की वस्तु खरीदना, नमक इत्यादि घर पर लाना, धनिया खरीद कर लाना बहुत शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे ज्योतिष में इन चीजों का वर्णन मिलता है और लाभ इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी ग्रह दशाओं को भी मजबूत करते हैं, सौभाग्य में भी वृद्धि करते हैं। आज के दिन घर पर खीर बनाना, श्रीहरि विष्णु महादेव को भोग स्वरूप लगाना, घर के मंदिर में भोग लगाना, कुंवारी कन्या को प्रसाद स्वरूप खिलाना और साथ ही सुहागिन महिला को खिलाना भी बहुत पुण्य के कार्य के रूप में जाना जाता है। अपने आप में पवित्र दिन है, जीवन में बाधाएं परेशान करती हैं, जीवन में रोग दोष कर्ज परेशान करते हैं, तो आज के दिन विशेष रूप से कुछ ना कुछ सर्वोत्तम करने का प्रयास करें। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।